डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। अगला वीडियो लेक्चर है मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, जो शेष रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उधर तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहलों में अगला है रिडक्शन अपचयन से किस प्रकार से हम एल्कोहलों का संश्लेषण करते हैं, तो उसमें ले रहा हूं मैं अगला रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन किसका किया जाए, जब का इधर एस्टर का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिड डेरिवेटिव्स का हम रिडक्शन अलग अलग अपचायकों से करते हैं तो अपने को अलग अलग उत्पादों की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ एक अपचायक ऐसे हैं जिनसे कि इनका अपचयन करने पर अपने को एल्कोहल की प्राप्ति होती है। तो इधर जब अपन अपचायक के रूप में कौन कौन से लेते हैं, जब अपचायक के रूप में अपन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, अपचायक के रूप में अपन सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, अपचायक के रूप में अपन सोडियम इथोक्साइड ले सकते हैं, इधर अपचायक के रूप में लिथियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं, उसमें एस्टर का अपचयन किया जाता है, और अपचायक के रूप में हम B2S6 बोरेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ऑब्लिक S3 को हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ये लेते हैं तो अपने को एल्कोहल की प्राप्ति होती है। देखो किस किस से अपन एल्कोहल प्राप्त करते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है एनहाइड्राइड, तीसरा है एस्टर, चौथा है एसिल हैलाइड, और इधर पांचवा एल्डिहाइड, छठा कीटोन, इधर इनमें अपचायक पहला ये लिख लिया, दूसरा ये, तीसरा ये है और चौथा ये है। जब अपचायक के रूप में अपन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पहला और चौथा अपचायक प्रयुक्त करते हैं, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें या अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड, इधर डाइबोरेन B2S6 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और सेकंड हाइड्रोलाइसिस कराते हैं अपन, जब अपचयन अपन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएं या डाइबोरेन से कराते हैं, तो दोनों स्थितियों में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राथमिक एल्कोहल में अपचित हो जाता है, ये बनाएगा RCH2OH, अर्थात ये वाला बॉन्ड है जो क्लीवेज होगा यहां से, इधर इधर देखना भाई, ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहां पर कितने वाटर मॉलिक्यूल काम आएंगे, यहां पर आते हैं टू बाट इधर वाटर मॉलिक्यूल काम आएंगे, सॉरी यहां पर जो यहां पर काम आते हैं 2H, और एटॉमिक एज काम में आते हैं,
अपचयन बताऊंगा, आयोडाइड के रूप में ट्रांसफर होता है इसका। लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड से आयोडाइड का जब अपचयन होता है तो यहाँ पर न्यूक्लियोटिक एडिशन रिएक्शन होती है और उसके बाद देन आयोडाइड कराते हैं तो आयोडाइड ट्रांसफर होता है। ये पहला बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ पर एच आ जाएगा, दूसरा बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक एच यहाँ पर आ जाएगा, एक एच यहाँ पर आ जाएगा। अपन समझाने के तौर पर इसको बताते हैं। वैसे लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आयोडाइड ट्रांसफर करता है, ठीक। उसकी मैकेनिज्म आपको बाद में बताऊंगा मैं। इसी प्रकार से अपचाय के रूप में पीए ले लिया, ये काम में लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड लें या सोडियम बोरोहाइड्राइड लें, दोनों से ही ये एनहाइड्राइड भी ये बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से हो जाएंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, ये RCH2OH इधर वाला पार्टी बनाएगा और RCH2OH इधर वाला पार्टी बनाएगा और इधर H2O निकल जाएगा बाहर, ठीक। इसमें भी H2O ये वाला OH ग्रुप वाला भाग है, ये H2O ग्रुप में निकल जाएगा बाहर। इधर इस एस्टर का भी अपचयन और लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड से या इधर जिससे कराएं डाइबोरेन से कराएं तो इधर ये वाला पार्ट एल्कोहल बना लेगा, ये वाला पार्ट भी एल्कोहल बना लेगा। तो ये RCH2OH प्लस R-OH मिल जाता है। जब एसिड एल्युमिनियम कराते हैं इन दोनों से कराएं किसी से भी तो ये वाला पार्ट भी एल्कोहल बना लेता है, HX के रूप में बाहर निकल जाता है, ये RCH2OH प्लस HX। इधर कीटोन लें तो ये क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन इधर ये RCO और इस एल्डिहाइड का अपचयन अपन लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड से कराएं तो इससे बनेगा प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH और इधर या इससे कराएं अपन B2S6 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और सेकंड H3O+, तो इससे भी प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, इससे बनेगा अपने को। इधर ये लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड ले लें या इसकी लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड नहीं लेते तो अपन डाइबोरेन B2S6 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और दूसरा H3O+ लेते हैं तो इससे अपने को क्या मिलेगा, इससे मिलेगा अपने को सेकेंडरी एल्कोहल RCH OH और ये अर्थात ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पर और ये बना लेगा क्या, सेकेंडरी एल्कोहल। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो कि अपने को एल्कोहल देते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को, एनहाइड्राइड को, एस्टर को, एसिल हैलाइड को, एल्डिहाइड को और कीटोन को, इन सभी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। इसमें विशेषकर एल्डिहाइड कीटोन को छोड़ करके और सभी, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एनहाइड्राइड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एसिल हैलाइड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, सभी से प्राथमिक एल्कोहल की प्राप्ति होगी जो कि कीटोन से अपने को सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है, इससे ये सेकेंडरी एल्कोहल है जबकि और सभी की सभी क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनाया जाता है लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड और लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आयोडाइड ट्रांसफर करता है। इसकी मैकेनिज्म होगा अपने को जब भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा मैं तो उसमें एक्चुअल में लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड की जो मैकेनिज्म है वो BSc के अंदर भी नहीं दे रखी है, हायर क्लासेज में MSc के अंदर अपन पढ़ते हैं इसमें, तो प्लस टू लेवल तक इसकी ज़रूरत नहीं है IIT के अंदर, नीट के अंदर और इधर JEE मेंस के अंदर भी इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से पूछे नहीं जाते हैं लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड की मैकेनिज्म से रिलेटेड। फिर भी अगर ज़रूरत है तो मैं आपको वीडियो लेक्चर नेक्स्ट उसमें जो GOC है, जनरल ऑर्डर केमिस्ट्री है, उसके अंदर बनाऊंगा तो आपको मैं सेंड कर दूँगा। ये अगर मैं इसका अपचायक के रूप में सोडियम बोरोहाइड्राइड प्रयुक्त करता हूँ तो ये तो आपको कहानी क्लियर हो गई होगी कि लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड और डाइबोरेन ये सभी एल्कोहल बनाते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को अपचित करते हैं एल्कोहल के अंदर। अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम आयोडाइड सोडियम और डाइबोरेन नहीं लूँ
और मैं इसकी जगह पर सोडियम बोरोहाइड्राइड अक्षय के रूप में प्रयोग करता हूं तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिएक्ट, आप याद रखना, सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड एस्टर एंड एसिल हैलाइड। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है किसकी तुलना में, लिथियम एल्युमिनोहाइड्राइड की तुलना में। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है दीज आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू लिथियम एल्युमिनोहाइड्राइड। भाई रिड्यूसिंग एजेंट तो है लेकिन लिथियम एल्युमिनोहाइड्राइड की तुलना में सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इस वजह से ये किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, एनहाइड्राइड के साथ में और एस्टर के साथ में और एसिल हैलाइड के साथ में कोई भी क्रिया नहीं करता है, इनके साथ एक्शन नहीं करेगा। बचा कौन, एल्डिहाइड और कीटोन, इन एल्डिहाइड कीटोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, सॉरी एल्डिहाइड कीटोनों को एल्कोहलों के अंदर कन्वर्ट कर देता है, कौन, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड लूंगा तो अपने से अपने को इधर एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन से 2-डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति होती है। ये सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक। क्या एटमिक एच की अमाउंट के लिए होगा, ये वाला टूटेगा, एक एच इधर आएगा, एक एच इधर आएगा, ठीक, एक एच ऑलरेडी है यहाँ पर, सी एच टू एच हो जाएगा, यहाँ पर 2H काम में आते हैं और इस जगह पर भी 2 एटमिक एच काम में आएंगे, बॉन्ड के लिए होगा एक एच इस जगह पर, एक एच इस जगह पर, ये आर सी एच टू ओ एच बन जाता है। नेक्स्ट, अपन अगर इसका एल्डिहाइड और कीटोन का ही, मेन कैप चेन की बात नहीं कर रहा, अगर अपन एल्डिहाइड और कीटोन का चेन सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह पर अगर इसका अपचाय के रूप में सोडियम एथोक्साइड प्रयुक्त करें, क्या करें, सोडियम एथोक्साइड प्रयुक्त करते हैं तो अपने को एल्कोहल तो प्राथमिकी मिलेगा, एल्कोहल क्या मिलेगा, प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा, लेकिन इस अपचेन को ब्यूगो ब्लैंक अपचेन के नाम से जाना जाता है। देखो अब चाहे अगर सोडियम NaOH, ET का मतलब है एथाइल, सोडियम एथोक्साइड प्रयोग करते हैं तो अपने को प्रोडक्ट तो अपचेन के, अपचेन जब होगा तो प्रोडक्ट तो एल्कोहल ही मिलेगा, लेकिन जो अपचेन है वो किस नाम से जाना जाएगा, ये अपचेन जाना जाएगा एटमिक एसिड सप्लाई होगी, अब चेन जाना जाएगा ब्यूगो ब्लैंक अपचेन के नाम से, ब्यूगो ब्लैंक अपचेन। जब आप चाय के रूप में सोडियम एथोक्साइड प्रयुक्त करते हैं और एल्डिहाइड कीटोन का अपचेन कराते हैं तो एल्कोहल मिलता है, एल्डिहाइड से 1-डिग्री एल्कोहल और कीटोन से 2-डिग्री एल्कोहल, और अब चेन जाना जाता है ब्यूगो ब्लैंक अपचेन के नाम से। ये सोडियम एथोक्साइड बनता कैसे, इधर जब एथिल एल्कोहल की क्रिया, ये C2H, इस एथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो सोडियम एथोक्साइड बनता है और साथ के साथ H2 गैस बाहर निकलती है, वो H2 कन्वर्ट होती है एटमिक हाइड्रोजन के अंदर और एटमिक हाइड्रोजन यहाँ सप्लाई होते हैं इसके लिए, इसके रिडक्शन में प्रयुक्त होते हैं, किसके में, द एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन में। तो याद रखना जब अपचायक के रूप में सोडियम एथोक्साइड काम में लेते हैं तो अपचेन ब्यूगो ब्लैंक अपचेन के नाम से जाना जाता है। ये रिडक्शन की जो तुम्हारी कहानी है ये कंप्लीट होती है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं तो एल्कोहल मिलता है अपने। फिर आता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण अगर कर किया जाए तो तब भी अपने को एल्कोहल की प्राप्ति होती है, तो उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण के रूप में क्या इसका प्रयोग करते हैं अपन, तो उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण के रूप में अपन लेते हैं निकल प्लैटिनम पैरेडियम, ठीक। जब निकल प्लैटिनम पैरेडियम के माध्यम से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जाता है तब भी अपने को एल्कोहल की प्राप्ति होती है। तो मैं यहाँ पर अगला है जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिएक्शन के बाद दे रहा हूँ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन,
अब कैटलाइटिक हाइड्रोजनेशन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, अपन कैटलिस्ट करते हैं, निकल है, प्लैटिनम और पैलेडियम। देखो इधर निकल प्लैटिनम पैलेडियम प्रयुक्त करते हैं, जिसमें विशेषकर निकल और पैलेडियम को प्रयुक्त किया जाता है। प्लैटिनम एक कॉस्टली मेटल है जो कि गोल्ड से भी कॉस्टली होता है, विशेषकर इसको प्रयुक्त नहीं करते हैं कॉस्टली होने की वजह से। अगर लेबोरेटरी में कोई प्लैटिनम को रखेगा तो अक्सर करके क्या होगा, ये गोल्ड से भी महंगा है भाई, गोल्ड कोई लेबोरेटरी में नहीं रखता, क्या कर ले जाएंगे जो रिसर्च वर्कर हैं वो क्या कर ले जाएंगे, उसको छोड़ ले जाएंगे, इसलिए प्लैटिनम को नहीं रखते, महंगा होगा, वैसे भी कॉस्टली पड़ता है। निकल प्लैटिनम पैलेडियम प्रयुक्त करते हैं, तो अगर जब किसका इधर एल्डिहाइड का अपन कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन कराएं, H2 दें यहाँ पर सर सप्लाई करें और प्रयुक्त निकल प्लैटिनम और पैलेडियम प्रयुक्त करते हैं, तो ये एल्डिहाइड ये कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन के माध्यम से कन्वर्ट होगा बंड की एल्कोहल के अंदर, ठीक, और कीटोन कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर कन्वर्ट होगा 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर, ठीक। ये निकल प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट देते हैं, ये बनाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। ओके, ये रहा कैटलाइटिक हाइड्रोजनेशन। अपने को जब रिडक्शन होता है तो एटॉमिक एज सप्लाई होते हैं, कैटलाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है तो मॉलिकुलर H2, ये H2 है मॉलिकुलर हाइड्रोजन है, आणविक हाइड्रोजन इसको बोलते हैं हिंदी में, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आणविक हाइड्रोजन, ठीक। यह आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल का जो पार्ट है वो कंप्लीटली क्या होता है, समाप्त होता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, इसके बारे में स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, इसमें पहला लेते हैं अपन, पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति कि एसिडिक नेचर है एल्कोहल, किस प्रकार से प्रूव की जाती है कि एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। देखो जो एल्किली मेटल होते हैं, एल्किली मेटल का मतलब क्षारीय धातु, क्षारीय धातु अपन कौन कौन से लें, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं क्षारीय धातु, एल्किली मेटल। जब क्षारीय धातुओं की क्रिया अपन एल्कोहल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि एल्कोहल कैसे होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इधर कि जब एल्कोहलों की क्रिया अपन क्षारीय धातु जैसे सोडियम के साथ में या पोटेशियम के साथ कराते हैं, पोटेशियम के इसके साथ कराते हैं तो इसका लवण बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, इससे सोडियम एल्कोक्साइड, और पोटेशियम से कराएंगे तो इसका लवण पोटेशियम एल्कोक्साइड बनेगा, ये RO- और ये Na+, और इधर हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है 1/2 H2O, हाफ H2O लिब्रेट होती है। इधर मेटलिक रिएक्शन इसमें क्या होगा, जो Na है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा पहले ROH का ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये RO- बनाएगा और H+ को एसिडिक नेचर कैसे प्रूव होगी कि ये एल्कोहल H+ देगा, H+ दे करके मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ इसकी मैकेनिज्म को, तो ये एल्कोहल लिया ROH, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स छोड़ करके ये H+ निकल जाएगा बाहर, जैसे ही H+ बाहर निकलता है तो RO- + H+, ये H+ क्या करेगा, निकल गया, इससे प्रूव हो रहा है एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति का है, ये H+ क्या करेगा, अब क्या होगा रोल प्ले, अब ये रोल प्ले होगा सोडियम मेटल का, सोडियम मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये बनाएगा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Na+
और ये इलेक्ट्रॉन निकल के निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है H+ के साथ क्रिया करेगा, H+ इलेक्ट्रॉन ये बनाएगा एटमिक H, और दो एटमिक H आपस में रिएक्टिव होते हैं और दो एटमिक H आपस में क्रिया करके H2S लिबरेट करते हैं। तो एटमिक H दो H2S लिबरेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैंने हाफ H2 निकाली है, मतलब आधा अणु H2 का बनता है बैलेंस करने के लिए रिएक्शन, ठीक। पोटेशियम के साथ क्रिया कराऊंगा तो ये स्थिति होगी, ये क्या बनाएगा सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड बनेगा और हाफ एच टू निकल जाती है बाहर। जब एल्कोलों की क्रिया क्षार धातुओं के साथ कराते हैं तो अपने को संगत लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि एल्कोल अम्लीय प्रवृत्ति के। जब एल्कोलों की क्रिया, जैसे कि अपन ने एथर एल्कोल ले लिया, इसकी क्रिया किसी क्षार जैसे NOH के साथ कराते हैं तो संगत लवण और जल बनता है, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि एल्कोल कैसे होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के। इधर ये बनेगा, इससे सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा CH2O- CH3CH2O- और Na+, ये सोडियम एथॉक्साइड जो कि अपन ने ग्लूवलांग रिएक्शन में काम में लिया था, किसमें अंदर ग्लूवलांग रिएक्शन में, और इधर OH- और ये H+ क्या बना लेंगे H2, तो लवण और जल बनता है, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इधर एरोमेटिक एल्कोहल फिनोल लूं और इस फिनोल की क्रिया, ये एरोमेटिक एल्कोहल फिनोल है, फिनोल जब इस फिनोल की क्रिया अपन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ में कराते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है और H2 गैस बाहर निकलती है, ये बनेगा सोडियम फिनोक्साइड O- और ये Na+ इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड और H2 बाहर निकलती है, H2 आधा अणु H2 का बाहर निकलता है, लेकिन जब NaOH काम में लेते हैं तो सोडियम परोक्साइड बनता है और क्या निकलता है बाहर H2। क्लियर। तो ये एल्कोहलों की एसिडिक नेचर प्रूफ होती है कि एल्कोहल H+ का निष्कासन करते हैं। उसके बाद आता है क्या नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वह एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण हो गया। अब इस एल्कोहल में अपन 1 डिग्री एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है और 3 डिग्री एल्कोहल होता है। अपन इस प्रकार से फाइंड आउट करें कि 1 डिग्री एल्कोहल मोर एसिडिक है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को। ये प्रूफ तो हुई कि एल्कोहल अम्लीय होते हैं, इससे अपन ने केमिकल रिएक्शन से प्रूव कर लिया एल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं। अब एसिडिक नेचर के एल्कोहल, एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। तो इन तीनों में से किस प्रकार से फाइंड आउट करें कि दीज एल्कोहल आर मोर एसिडिक एंड दीज आर लेस एसिडिक एल्कोहल, कि इन तीनों एल्कोहलों में से ये एल्कोहल अधिक अम्लीय है और ये एल्कोहल सबसे कम अम्लीय है। तो अपन मेन ग्राउंड डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पर अगला टॉपिक है एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण। तो डिटरमिनेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण, या कंपेयर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स ये भी कह सकते हैं कि एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति की तुलना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो एसिडिक नेचर है ऑफ एल्कोहल है उसका डिटरमिनेशन किससे करते हैं कि एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को माइनस इधर माइनस आर माइनस एच और माइनस आई वाले ग्रुप तो क्या करते हैं बढ़ाते हैं, जबकि प्लस एच और प्लस आर और प्लस आई वाले ग्रुप क्या करते हैं घटाते हैं। तो याद रखना
एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है माइनस आर माइनस एच और माइनस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है प्लस आर प्लस एच और प्लस आई के। अर्थात एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इनके तो समानुपाती होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह, इलेक्ट्रॉन त्यागी या दाता समूह के क्या होती है प्रतिक्रियानुपाती, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये माइनस आर और माइनस एच और माइनस आई प्रभाव रिप्रेजेंट वाले समूह के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है समानुपाती, जबकि प्लस आर प्लस एच और प्लस आई प्रभाव प्रदर्शन करने वाले समूह के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी अर्थात इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉ का मतलब है खींचना, खींचने का मतलब आकर्षी, जबकि ये प्लस आर प्लस एच और प्लस आई प्रभाव रिप्रेजेंट वाले समूह होते हैं, ये इनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह, इनके क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तो घटाते हैं एल्कोहल के एसिडिक नेचर को, ये वाले समूह बढ़ाते हैं। आपको 11th क्लास में पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा कि रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इट मींस ठीक। नेक्स्ट में इसके एग्जांपल्स देता हूं और एक्सप्लेन करूंगा किस प्रकार से समानुपाती होगा, किस प्रकार से समानुपाती होता है। ये मैंने एल्कोहल लिया CH3CH2OH, ये कोई 1 डिग्री एल्कोहल है, इधर ये CH3, इधर ये CH3, ये H और ये OH, इस H को मैं यहां पर दर्शा दूं, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये CH3 CH3 और ये CH3 और ये O और ये H, ये 3 डिग्री एल्कोहल। देखो एल्कल समूह है, इसके अंदर एथाइल समूह है, इसमें मिथाइल समूह है, इसमें भी क्या है मिथाइल समूह है। तो हम सब जानते हैं कि एल्किल समूह का जो इफेक्ट लगता है वो क्या लगता है प्लस आई, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, इसका ये प्लस आई इफेक्ट होगा, इसका ये प्लस आई इफेक्ट होगा, इस वाले समूह का प्लस आई इफेक्ट होगा, सभी एल्किल समूह में मिथाइल भी क्या है एल्किल, इसका भी प्लस आई इफेक्ट होगा और इसका भी प्लस आई इफेक्ट होगा ठीक। अब इधर देखना कि अब अपन स्टडी कर रहे हैं किसकी, एसिडिक नेचर की, कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल ये है प्राथमिक एल्कोहल को बोलते हैं 1 डिग्री, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल और ये 3 डिग्री एल्कोहल। तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कौन मोर एसिडिक है। देखो इधर ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह होगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहां पर, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ठीक। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इधर से, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इधर से, तो यहाँ पर डबल डबल इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, इसकी तुलना में यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। यहाँ पर देखो ये मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन डोनेट इधर से कर रहा है, ये इधर से कर रहा है, ये इधर से कर रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की बाहुल्यता और होगी किस पर ऑक्सीजन पर। जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की बाहुल्यता हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बाहुल्यता बढ़ रही है, तो मेरी बात इस बात को सुनिए कि उस स्थिति के अंदर ये हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निकल सकता है क्या,
भाई ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की बाहुल्यता बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो बंद है उसकी ध्रुवीय प्रवृत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। जब बॉन्ड की ध्रुवीय प्रवृत्ति उस टाइम पर बढ़ती है कि उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएं, पोलराइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड की जो प्रवृत्ति है उस टाइम पर बढ़ती है कि जब दो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाए तब बंद की ध्रुवता बढ़ती है। ऐसी स्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉन की बाहुल्यता बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की जब बाहुल्यता बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो OH बंद है, ये O और H बंद है, इसकी ध्रुवीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब ध्रुवीय प्रवृत्ति घट जाती है तो H प्लस का निष्कासन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज ये हाइड्रोजन को नहीं जाने देगा, बांधे रखेगा, H प्लस के रूप में निकल ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन पहले मिल रहे हैं, बैक साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इस वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। और इसी वजह से अपन कहते हैं क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह है वो एल्कोहलों की अपनी प्रवृत्ति को घटाते हैं। एसिडिक नेचर क्या है, H प्लस का निष्कासन होना ही तो एसिडिक नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह होने पर H प्लस का निष्कासन सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है, इसीलिए बंड भी एल्कोहल मोर एसिडिक होता है, सबसे अधिक होता है 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम। ठीक, इन सेंस अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते, ये वाले समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, तो कौन सा अधिक अम्लीय होता, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय है, 2 डिग्री उससे कम और बंडिंग सबसे कम, कब, जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागी समूह है, इसी वजह से ये क्या है, बंडिंग एल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय है। तो ये इसकी एसिडिक नेचर हो गई, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे। मैं एक और एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, ये साइक्लोहेक्सेनॉल लिया सिंपल, उसके बाद इस साइक्लोहेक्सेनॉल के पास में एक Cl इधर लगा दी और एक Cl इधर लगा दी, 2 Cl इधर, फिर साइक्लोहेक्सेनॉल के पास में इधर एक Cl यहां पर लगा दी और एक यहां पर लगा दिया A, फिर साइक्लोहेक्सेनॉल के अंदर इधर ये OH यहां पर लगा दिया, ये F और ये A, ठीक, और इधर ये लगा दिया अपन ने Cl और एक Cl इस साइक्लोहेक्सेनॉल में, OH यहां लगा दिया एक Cl, तो इधर पहला एग्जांपल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच साइक्लोहेक्सेनॉल में बेंजीन बनाने की पहले नहीं बनेगी इसी के अंदर। इन सभी साइक्लोहेक्सेनॉलों के अंदर अपने को यह देखना है कि कौन सबसे एसिडिक होगा, और सबसे इनकी जो एसिडिक नेचर है इनको घटते हुए क्रम लेना है, सबकी सब क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल। तो इससे जो समूह लगे हुए हैं, पहले तो समूह को देखते हैं, समूह कौन कौन से, देखो यहाँ पर Cl लगा हुआ है, देखो OH ग्रुप तो सभी में है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये Cl का माइनस साइन, यहाँ Cl का इसका भी माइनस साइन लगेगा, इस Cl का भी माइनस साइन, इस Cl का भी माइनस साइन लगेगा, इस Cl का माइनस साइन और इस F का भी माइनस साइन, इस F का माइनस साइन और इस F का भी माइनस। तो देखो इसमें क्या है, ये एल्कोहल लिया है मैंने, इसमें तुलना करने हैं सभी की सब 2 डिग्री एल्कोहल है, इन 2 डिग्री एल्कोहलों की तुलना करनी है कौन सा एल्कोहल मोर एसिडिक होगा। तो इसमें एक रूल काम करता है, इलेवन क्लास में पढ़ा होगा अपन ने, एसिडिक नेचर हो या कोई सी भी हो, एक डीएनपी रूल आता है, डीएनपी रूल। देखो डीएनपी रूल क्या होता है, डी फोर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी, n फोर, n मीन्स होता है नंबर,
नंबर का मतलब संख्या और पी फोर होता है पावर, इसका मतलब है शक्ति। मैं डीएन की रूल को एक्सप्लेन करता हूं कि अकॉर्डिंग टू डीएनपी रूल डिस्टेंस इज ऑलवेज डोमिनेंट नंबर एंड नंबर इज ऑलवेज डोमिनेंट पावर इज नोन एज डीएनपी रूल। इसका मतलब क्या है कि जो दूरी है कोई भी समूह अगर जुड़ा हुआ है तो उस समूह की दूरी देखी जाएगी, वो दूरी अगर उस समूह जिससे के दूरी है उस दूरी से निर्धारण करेंगे अपन उसके अम्लीय गुण का, क्षारीय गुण का या उसके स्थायित्व का, जिससे अपन निर्धारण कर रहे हैं तो सबसे अधिक दूरी को प्रभावी माना जाता है। दूरी है अगर वो पास है, उसकी दूरी इससे स्रोत से पास है तो दूरी संख्या पर प्रभावी होती है और संख्या है वो शक्ति पर प्रभावी होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको कि मेरा डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर नंबर, इज नंबर इज डोमिनेंट ओवर पावर। प्रभावी का मतलब कि दूरी यदि कम है चाहे संख्या ज्यादा है तो दूरी कम है तो दूरी बड़ी करेगी, और अगर संख्या ज्यादा हो संख्या के ऊपर दूरी प्रभावी होती है। कैसे? ये लिया मैंने CH2 और ये OH, यहां पर मैंने लगा दिया क्या, ये Cl1 और ये Cl2, दो Cl लगा दी। इधर ये CH3 और ये CH, और यहां पर लगा दिया मैंने एक Cl और ये OH। देखो इधर ये मैंने बोला है डिस्टेंस इज डोमिनेंट नंबर, यहां पर OH ग्रुप से दूरी Cl की ज्यादा है, दो Cl लगी है लेकिन दूरी ज्यादा है, यहां पर OH, यहां पर कार्बन फिर कार्बन, ठीक, यहां पर जो OH लगा हुआ है उस कार्बन से ही Cl जुड़ा हुआ है, यहां पर दूरी क्या है, इस Cl की दूरी क्या है कम है, इस Cl की दूरी क्या है ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इन दो का माइनस साइन लग रहा है, इन दो Cl का, यहां पर एक Cl का माइनस साइन लग रहा है, तो दूरी है जिसकी दूरी कम है स्रोत से वो दूरी प्रभावी होगी किसके ऊपर, संख्या के ऊपर, इसका मतलब है संख्या के ऊपर दूरी प्रभावी होगी। तो ये दूरी प्रभावी, यहां पर दूरी कम है ये प्रभावी होगी किसके ऊपर, संख्या के ऊपर, इसी वजह से ये एक Cl वाला अधिक अम्लीय होगा इसकी तुलना में दो Cl वाले की तुलना में, क्यों, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ माइनस आई है उसकी टेंडेंसी, उसकी जो प्रभाव, उसकी जो लगने की प्रवृत्ति है, माइनस आई लगने की प्रवृत्ति है दूरी बढ़ने के साथ साथ, अपन बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव की जो प्रबलता है इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेरणिक प्रभाव की जो प्रबलता है वो दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये अधिक अम्लीय होगा, एल्कोहल ये कम अम्लीय होगा। उसके बाद बोलते हैं संख्या, यहां पर संख्या क्या है, दो है। इधर मैं संख्या दो का ही एग्जाम्पल लेता हूं, CH2OH, यहां पर भी संख्या क्या है, ये F और ये F। उसके बाद आती है डिस्टेंस, डिस्टेंस का आती है नंबर। देखो यहां पर नंबर क्या है, यहां पर Cl दो है और यहां पर Cl, यहां पर माइनस आई वाले दो हैं और यहां पर दूरी Cl की और इस F की, इन दोनों की दूरी बराबर है, कोई दिक्कत। लेकिन अब आती है नंबर की, तो इस पर दो माइनस आई लगाने वाले दो हैं, यहां पर माइनस आई लगाने वाला एक है, दूरी दोनों की बराबर है, यहां पर Cl की और F की दोनों की दूरी बराबर है, यहां पर माइनस आई वाला क्या है एक दो, यहां पर माइनस आई वाला एक, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं पावर वाला, अगर मैं यहां पर ये एफ जब दूरी बराबर हो तो उसके बाद देखी जाती है
संख्या। अगर संख्या भी बराबर हो, ये F लगा दिया अपन, यहां पर भी क्या है दो सी एल, यहां पर भी क्या है दो एल। अब जब संख्या भी बराबर हो और दूरी भी बराबर हो तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं पावर शक्ति, क्योंकि माइनस आई लगाने की शक्ति किसकी ज्यादा है, तो माइनस आई लगाने की प्रवृत्ति सीएल की, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो एफ की तुलना में क्या है कम है, तो पावर माइनस आई, माइनस आई लगाने की जो प्रबलता है वो क्लोरीन की क्या है ज्यादा, इसी वजह से इसकी एसिडिक नेचर, अब इसकी एसिडिक नेचर इसकी तुलना में क्या होगी ज्यादा होगी। आगे बात होगी क्लियर, डीएनपी रूल आपके समझ में आ गया होगा कि पहले आपको डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस जिसकी न्यूनतम होगी OH ग्रुप से उसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी माइनस आई के कारण, ठीक। अगर डिस्टेंस से, डिस्टेंस प्रभावी होगी संख्या पर और संख्या प्रभावी होगी शक्ति पर। तो इस एग्जांपल में देखते हैं अपन क्या है डीएनपी रूल के अनुसार ही सॉल्व होगा ये एग्जांपल। इधर देखना, यहां पर जो लगे हुए हैं सबकी सब माइनस आई वाले हैं, यहां पर ये OH ग्रुप में देखो इसमें दूरी बढ़ रही है, इसकी दूरी क्या है इसकी दूरी और इसकी दूरी, ये दूरी इन दोनों की तुलना करें तो OH ग्रुप यहाँ पर पहला कार्बन OH ग्रुप लगा हुआ है एक नंबर पर, ये दो और ये तीन नंबर पर Cl है, यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ इसके साथ एक दो तीन चार नंबर पर Cl है, तो ये Cl की दूरी कम है और Cl की ज्यादा है, इसका मतलब ये अधिक अम्ल होगा इसकी तुलना, ठीक बात हो गई, उसको समाप्त करते हैं। यहाँ पर जो Cl लगे हुए हैं इनमें एक नंबर पर OH दिया तो ये दो और ये यहाँ दो नंबर कार्बन पर Cl है, यहाँ पर एक नंबर OH को दिया ये दो और ये दो, यहाँ दो नंबर कार्बन पर क्या Cl और F दूरी, इधर माइनस आई लगाने वाले समूह की दूरी इसकी कम है इसकी तुलना में, ये तो अधिक दूरी पर है ये कम दूरी पर है। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये एक ये दो और ये दो, अब इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इन दोनों के अंदर दूरी बराबर है, संख्या भी दोनों के अंदर क्या है बराबर है, जब दूरी बराबर और संख्या बराबर तो फैक्टर अगला आएगा पावर वाला शक्ति वाला, तो शक्ति से डिसाइड करेंगे अपन। इधर न्यूनतम दूरी इन तीनों में ही, इसमें तो अधिकतम दूरी बढ़ रही है तो इसमें दो एफ लगे हुए हैं तो एफ की प्रबलता माइनस आई लगाने की टेंडेंसी एफ की सबसे ज्यादा होगी, सीएल की उससे कम, बी आर की उससे कम और आई की सबसे कम, इसकी माइनस आई के लिए माइनस आई प्रभाव, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर दो एफ लगे हुए हैं तो इसी वजह से जो पांच नंबर है उसकी एसिडिटी सबसे अधिक होगी, मैं कह रहा हूं अम्लता का घटता क्रम है ये, अम्लता का घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इधर माइनस आई का यहाँ पर सबसे अधिक होगी, उससे कम माइनस आई किसका होगा, देखो यहाँ पर सी एल और एफ लगा हुआ है तो एफ की माइनस आई लगाने की टेंडेंसी ज्यादा सी एल तुलना, उसके बाद क्या आएगा चार नंबर और उससे कम क्या आएगा तीन नंबर, ठीक। अब देखो इसमें यहाँ पर सी एल तीन नंबर पर लगा हुआ है, यहाँ पर सी एल चार नंबर पर, तो इसकी दूरी कम है और इसकी दूरी क्या ज्यादा है, तो उसके बाद आएगा दो नंबर और सबसे कम आएगा एक नंबर, तो ये इसका आता है करेक्ट ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट होगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये डीएनपी रूल से सॉल्व होता है, तो इस प्रकार से अपन एल्कोहलों की एसिडिक नेचर को निकाल लेते हैं, आपको इफेक्ट क्लियर होने चाहिए 11वीं क्लास के भाई, ओके। नेक्स्ट मैं एक और बताता हूँ कि जो एसिडिक नेचर है वो और किसके समानुपाती होगी, ये आपको बता दीजिए, इतना ही काम में आएगा बेस्ट 12th लेवल तक तो, और नीट और आरबीएससी के लिए भी। फिर इसके एग्जांपल्स और पढ़ते हैं अपन, देखो एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल ये तो होती है समान। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहलों में जो अगला टॉपिक है ये एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल ये तो होती है समाप्त, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एस्टिफिकेशन एस्टीकरण।
अगला पढ़ेंगे अपन एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रीकरण, देखो इधर, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाती है खनिज अम्ल की उपस्थिति में, तो एक फलों जैसी गंध का पदार्थ बनता है जिसको कि एस्टर के नाम से जाना जाता है, और इस अभिक्रिया को एस्टीकरण के नाम से जाना जाता है। विद मैकेनिज पढ़ेंगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं खनिज अम्ल की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा अपने को, ये एस्टर की प्राप्ति होगी आर सी ओ और ये ओ आर प्लस एच टू। मैं आइसोटॉप लेवलिंग कर रहा हूं, यहां पर मैं लिया है ओ 18, ठीक। तो इसमें अपने को ये मैग्नेट से पता लगेगा कि ओ एच एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का आएगा या ओ एच एल्कोहल का आता है। तो देखो इधर, ये लिया अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड और ये लिया अपन ने एल्कोहल। जब एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं खनिज अम्ल की उपस्थिति में, तो अपने को ये बनता है फलों जैसी गंध का पदार्थ एस्टर बनता है और जल बाहर निकल जाता है। अब स्टूडेंट के पास दो बात आती है कि ये OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल से आता है या OH ग्रुप एल्कोहल से आता है। अगर OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल का है तो OH और H, ये H2O बाहर निकल जाएगा और O18 किसमें आ जाएगा, एस्टर में। जब OH कार्बोक्सिलिक अम्ल का लें और H किसका लें, एल्कोहल का। दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, ये तो ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी में बना रहा हूं कि जब OH ग्रुप लें किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और H लें किसका, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH लिया और एल्कोहल का H लिया, तब तो H2O बाहर निकल गया, O18 किस में आ गया भाई, एस्टर में, ठीक है। OH ग्रुप और ये H2O बाहर निकल गया और एस्टर में O18 आ गया। लेकिन जब अपन ऐसा कोई स्टूडेंट कर दे OH ग्रुप को एल्कोहल के को लेकर के और H कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेकर के आपस में क्रिया करा दे, तो OH और इसका ये H, H2O आ जाए निकल जाएगा बाहर और ये H2O में आ जाएगा O18। जब अपन ने OH एल्कोहल का लिया है तो, और ये बन जाएगा एस्टर RCOR। अब इसमें अपने को दो विकल्प, कई बार जेई मेंस के अंदर एडवांस के अंदर मैकेनिज्म से क्वेश्चन उठते हैं, तो बात ये आती है कि इसके अंदर प्रोडक्ट ए वाला सही होगा या बी वाला सही होगा, ये प्रूफ किस प्रकार से करता हूं मैं इसको, इसकी जो अपन प्रूफ करेंगे मैकेनिज्म से करेंगे अपन, तो इसकी मैं लिख रहा हूं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, ऑफ एस्ट्रिफिकेशन। एस्टीकरण की क्रिया, देखो इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये जो अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है ये खनिज अम्ल के साथ क्रिया करेगा H प्लस के साथ, ये दोनों लोन पेयर इसको H प्लस को लेंगे, ये बनाएंगे आर सी ओ डबल बॉन्ड को, ये OH और ये H आ गया, लोन पेयर दिया है इसने, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा यहां पर, स्थिति क्या बन जाएगी, ये आर सी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ये OH और ये OH, ओके, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये क्रिया करेगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बन गया, नेक्स्ट ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, एल्कोहल के साथ, ये बात मैं इसको यहां लिख दूं इस प्रकार से, ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, ये वाला इधर देखो, ये आर सी, ये OH
ये OH, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये एल्कोहल लिया मैंने O, ये H और ये R, ये एल्कोहल, ये O18, दो लोन पेयर है यहाँ पर, ये रहे, ये O18, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से गए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर ये R, ये R डैश ले लिया, चलो मैं इसको R डैश मान लेता हूँ, तो इसमें एक R डैश आ गया यहाँ पर, तो ये R, इधर ये OH, इधर ये OH और ये O18 और ये H इसका और ये R डैश, इस ऑक्सीजन पर कौन सा आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से एक लोन पेयर जा चुका है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन पर ये पॉजिटिव चार्ज आया है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स लेगा किससे, यहां से इस बंद से, और H प्लस यहां से रिमूव होगा, इधर ये H प्लस निकलेगा यहां से, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के पॉजिटिव चार्ज ये तो हो जाएगा न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के उदासीन हो जाता है, जैसे ही H प्लस निकलेगा इस H प्लस को कौन लेगा, ये लोन पेयर ले लेगा इस H प्लस, और H प्लस को ये लोन पेयर लेगा, लोन पेयर देगा इसको H प्लस को, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, H प्लस आकर के इस पर मिल जाएगा OH समूह, स्थिति क्या बन जाएगी, R C ये OH, इधर ये O, ये R, O18 न्यूट्रल हो गया, यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और इस पर आकर के क्या आ गया, ये O और एक ये O रही, और एक O से एक H हीरा, एक H हीरा, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, नॉन पेयर दे दिया, एक नॉन पेयर है इसके पास में, एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया है, ठीक। अब क्या होगा, अब इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन लेगी, ऑक्सीजन लेकर के उदासीन हो जाएगी, वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल हो जाएगा, रेस टू ग्रुप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस बंद के, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस एच टू तो बाहर निकल गया, ये वाला एच टू देखो दो एच और ये ओ एच टू बाहर निकल गया, ये आर सी, ये ओ और ये एच, इधर ये ओ आर और ये ओ अठारह, और कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, अपन ने खनिज अम्ल लिया था यहाँ पर, H प्लस लिया था खनिज अम्ल के रूप में, अब क्या होगा, इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये यहाँ पर देगा, ये देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर ऑक्सीजन को देगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, और H प्लस निकल जाएगा ये बाहर, तो यहाँ पर ये H प्लस बाहर निकल गया, जैसी H प्लस ये बाहर निकला, इधर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के H प्लस बाहर निकल गया, ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, ये R, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, वो नेगेटिव और H प्लस के बीच बॉन्ड बन गया ना, इधर ये H प्लस निकल गया, ये O18 और ये R अपने को क्या बन गया, ये एस्टर, तो देखो इधर आप ये बताइए कि ये O18 इस प्रोडक्ट में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है प्रोडक्ट में, एस टू बाहर निकला, इसमें वो अठारह गई है क्या, नहीं गई, इसका मतलब क्या है कि ये वाला, ए वाला आंसर करेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH ग्रुप और एस्टर का H, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और एल्कोहल का H जाता है, इस प्रकार से एस्टरीफिकेशन में बॉन्ड किसका क्लीवेज होगा, कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH ग्रुप और एल्कोहल का H जाता है, ठीक है ना, अपने को ये मिल जाएगा एस्टर, कोई अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ये अपने को मैकेनिज्म से अपने मैंने प्रूव किया इस बात को कि एस्टर का तो क्या जाएगा, एस्टर बनेगा एस्टरीफिकेशन में, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH ग्रुप काम आएगा और एल्कोहल का H, ठीक, मैकेनिज्म स्पष्ट कर रखा है, सबसे पहले H प्लस दिया, ये H प्लस दिया ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेक्स्ट क्या होगा कि जो एल्कोहल लिया है अपन ने, ये एल्कोहल सप्लाई किसके लिए करेगा, एल्कोहल
का जो ऑक्स लोन पेयर है इस कार्बन को सप्लाई करेगा, बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन लेगी, ऑक्सीजन उदासीन हो जाएगी। ये H+ निकला, इसको लोन पेयर लेगा, लोन पेयर देगा इसमें इलेक्ट्रॉन से H+ को, ये बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। देन इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा, लोन पेयर लेगा, H2O के रूप में बाहर निकल गया कार्बन और पॉजिटिव चार्ज। देन टोटमराइजेशन होगा, ये H+ निकलेगा, ये ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा H3। ये एस्टीकरण की क्रिया विधि रही। अब देखो इसकी मैग्नीम से यह स्पष्ट होता है क्या कि एल्कोहल जो जिस एल्कोहल से H+ आसानी से निकलता है, जो एल्कोहल H+ आसानी से देगा वो एल्कोहल एस्टर जल्दी से बनाएगा किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। तो एस्टीकरण की क्रिया विधि से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस एल्कोहल की H+ त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है उस एल्कोहल की एस्टीकरण की प्रतिक्रियाशीलता उच्च होती है। तो आपको मैं इस बात को कह दूं कि एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति से ही अपन एस्टीफिकेशन का निर्धारण कर सकते हैं। अब आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा एल्कोहल एस्टीकरण के प्रति उच्च क्रियाशील होगा, तो एस्टीकरण के प्रति 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में से एस्टीकरण के प्रति कौन क्रियाशील ज्यादा होगा, जिस एल्कोहल से H+ का निष्कासन सुगमता पूर्वक होता है। तो किस एल्कोहल से H+ का निष्कासन सुगमता पूर्वक होगा, मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले एसिडिटी पढ़ाई थी, तो किससे होगा सुगमता पूर्वक H+ का निष्कासन, सुगमता पूर्वक 1 डिग्री एल्कोहल से होता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल की H+ सुगमता पूर्वक निष्कासन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 डिग्री एल्कोहल एस्टीकरण के प्रति मोर क्या होगा, रिएक्टिव 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कि एस्टीकरण के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता क्रम क्या होता है। तो मैं बता रहा हूं एस्टीकरण के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता क्रम, तो एस्टीकरण के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता में 1 डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होगा, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होगा। तो मैं लिख रहा हूं एस्टीकरण के प्रति करण के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का घटता क्रम तो इसमें 1 डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होगा, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री एल्कोहल सबसे, ठीक है। यहां पर ये RCH2 को है सबसे अधिक, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये RCHR ये OH उससे कम और ये RCR आर ये OH सबसे कम, ठीक। ये आपका कंप्लीट होता है एस्टीफिकेशन वाला पार्ट है, वो आपका कंप्लीट होता जाता है एस्टीकरण के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता। मैं आपके लिए एग्जांपल्स दे दूं कि नीचे दिए गए एल्कोहलों को एस्टीकरण के प्रति क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नीचे दिए गए एल्कोहलों को एस्टीकरण के प्रति क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला ये CH3OH, दूसरा CH3CH2OH, तीसरा ये CH3CH, ये CH3OH, एक क्वेश्चन तो ये एक नंबर, ये दो, ये तीन, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं भी ये CH3, ये CH2OH, ये CH3CH OH, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3OH टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और ये C2H5, ये C2H5, और ये C2H5,
और ये OH, ये अल्कोहल लिए अपन ने पहला, इनको एस्टीकरण की प्रति क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाना है। तो देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसका प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा, और इसका भी क्या लगेगा, इसका प्लस आई और इसका प्लस आई। तो प्लस आई अम्लता को क्या करते हैं, घटाते हैं। जिसकी अम्लीय प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी उसकी एस्टीकरण की प्रतिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, याद रखना। जिसकी अम्लीय प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी उसकी एस्टीकरण की प्रतिक्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो इसमें ये एच, इसका CH3 मिथाइल और ये एथाइल, इसमें एथाइल का तो प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, मिथाइल का क्या होगा, प्लस आई कम। तो सबसे अधिक एसिडिक नेचर इसकी, उससे कम एसिडिक नेचर इसकी, और सबसे कम एसिडिक नेचर इसकी। तो जो एसिडिक नेचर का क्रम है वही क्या होगा, एस्टीकरण का। तो आप याद रखना एस्टीकरण का क्रम वही होगा जो कि एसिडिक नेचर का है। तो आप एसिडिक नेचर का क्रम निकाल देना, एस्टीकरण का क्रम अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। इधर इसकी एसिडिक नेचर सबसे अधिक, इसकी एसिडिक नेचर उससे कम, और इसकी एसिडिक नेचर सबसे कम, वही इसका क्या है, एस्टीकरण का क्रम है। इसमें इसका प्लस आई, इसमें दो समूह का, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल की एसिडिक नेचर सबसे अधिक, 2 डिग्री एसिडिक नेचर उससे कम, और 3 डिग्री की एसिडिक नेचर सबसे कम। अब ये दो 3 डिग्री है, इसमें ये मिथाइल वाला समूह है, इसका प्लस आई क्या लगता है, कम, और इसका एथाइल, इसका प्लस आई लगता है ज्यादा। तो इसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, और इसकी प्लस आई ज्यादा लगेगा तो एसिडिक नेचर कम होगी, इसी वजह से इस फोर्थ की एसिडिक नेचर सबसे कम होगी। ये इसका किसका क्रम है, एस्टीकरण के प्रति क्रियाशीलता घटता क्रम, एल्कोहल, ठीक।